वेलकम बैक टू विदिज गैलरी। जैसा कि आप जानते हैं कि वर सावित्री पूजा आ रहा है और उसके लिए हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने। हमारी मैडम जी देखते हैं क्या कर रही हैं। तैयार हो गई? अच्छा, क्या कर रही हो? तैयार हो रही। ये देखिए हमारी मैडम जी, क्या कर रहे हैं आप? तैयार हो रहे हैं मैडम जी, उसके लिए भी तैयार हो रही हैं, पार्लर जाने के लिए भी। वाह मैडम जी वाह, क्या गजब हैं आप, आपको सत सत नमन। चलिए तो हम लोग जाने के लिए बस तैयार हैं मार्केट। और ये देखिए हमारी मैडम जी के कारनामे, सात अजूबे एक तरफ, इनके अजूबे एक तरफ। देखिए लुक्स पार्लर, और अब मैडम जी गई अंदर, देखते हैं कितना टाइम लगाती है मैडम। एक वेटिंग था दोस्तों, मैडम ऊपर आराम से अपना थ्रेडिंग बनवा रही और मैं गर्मी में पसीने में। ओह माय गॉड, गर्मी बहुत है, शाम के 6 बज चुके हैं फिर भी। ये मैडम आ गई थ्रेडिंग बनवा के। चलिए भैया, हमारे 20 मिनट का इंतजार सफल हुआ। काफी भीड़ है लेकिन हम लोग स्टिल जा रहे हैं। हम लोग अब शॉपिंग करके आ चुके हैं। शॉपिंग का ज्यादा क्लिप तो नहीं उठा पाए क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा रश था और मार्केट बंद होने का भी टाइम हो चुका था, जस्ट बिकॉज हम लोग ज्यादा क्लिप नहीं ले सके। और अभी आके हम लोग नाश्ता किए हैं और ये मेरे हस्बैंड जी ऐसे ही कुछ कुछ चेक करते रहते हैं फोन। तो अब हम आप लोग को दिखाएंगे कुछ अपना जो आज हम लोग शॉपिंग किए हैं, वो सारा कुछ दिखा देंगे, मैंने क्या क्या लिया है पूजा के लिए, अपने लिए भी लिया है वो भी दिखाऊंगी। लेट्स कंटिन्यू, ब्लॉग को पूरा देखिएगा और आई होप आपको अच्छा लगे होगा। और ये हम लोग का शायद फर्स्ट ब्लॉग होगा, हाँ ये हम लोग का फर्स्ट ब्लॉग होगा और इसके बाद कंटिन्यू ब्लॉग आते रहेगा। मैं दिखा रही हूँ आज कि हमने क्या क्या शॉपिंग किया है। पहले जो मुझे सबसे बहुत ज़्यादा पसंद आया ये एक है ईयरिंग, अभी मैं पूरा तो नहीं दिखाऊंगी, पूरा लुक में देखिएगा। ये ईयरिंग और ये एक मेहंदी जो मैं अभी आज या फिर कल लगाऊंगी, और ये पूजा के लिए सामान जो पूजा में चढ़ेगा और फिर मैं इसको बाद में यूज करूंगी। और एक मैंने ये नथ लिया है, और ये कुछ पंडित जी को दान करने के लिए होता है इसलिए बस। और भी कुछ लिया है फल वल तो दिखाते हैं। मैंने सारा शॉपिंग कर लिया है। ये है फैन जो कल के लिए सबसे मैनेटरी चीज है। ये फैन 365 में से 364 दिन उल्टे तरीके से चलेगा, कल ही केवल इस तरीके से चलने वाला है जी। इसका यूज होगा गणपति देव को ऐसे ऐसे हवा करने के लिए, और इसके सबसे मेन पूजा में सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है। और एक ये नारियल, तरबूज, और ये मार्शमेलन, बनाना, ग्रेप्स और मैंगो, और ये फूल। हेलो दोस्तों, पूजा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। देखिए इन्होंने अपने हाथों में मेहंदी लगाई है खुद से देख के, और देखिए नाम लिखा है निधि और विशाल। कैसी लगी मेहंदी ये भी बताना आप मुझे कमेंट सेक्शन में।